नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ मैं फिरदौस। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में स्टेशन के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी, नहीं थम रहा बाइक चोरी का सिलसिला। नगरपालिका में पैरवी के लिए विधि सलाहकार नियुक्त, अधिवक्ता मुकेश प्रजापति को किया नियुक्त। चौमेला में अवैध रूप से चल रहा बजरी खनन पर की बड़ी कार्रवाई, 300 टन बजरी की जब्त। कालीसिंध नदी पर खनन विभाग की कार्रवाई। अकलेरा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, मृतक के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, आशंका के चलते उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रामगंज मंडी में दो वाहनों में हुई आमने सामने टक्कर, टक्कर से रास्ता हुआ जाम, NH-52 की ये घटना। देहरादून में तपती गर्मी में व्यापारियों ने छबील लगाकर लोगों को पिलाया मीठा शरबत, देहरादून सेला कोई हाईवे का है मामला। सिंगरौली में अभिवक्ता संघ शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित, दूरदर्शन कलाकार अशोक पांडे की रही खास प्रस्तुति। सिंगरौली में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, किराने की दुकान की आड़ में करता था शराब का कारोबार। सिंगरौली में महिला सुरक्षा पर पुलिस अनोखी पहल शुरू, कई गंभीर मुद्दों पर की चर्चा। जालौन में ट्रक ने वैन को मारी टक्कर, दूल्हे सहित चार लोगों की हुई मौत, चार लोग गंभीर रूप से घायल, डकोर कोतवाली क्षेत्र की है घटना। जालौन में 8 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले ने लिया नया मोड़, झांसी DIG के मुताबिक बच्ची के साथ गैंगरेप नहीं हो पा रहा स्पष्ट। ग्वालियर में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 7 लाख रुपए के नुकसान होने की आशंका। अब डालते हैं खबरों पर एक विस्तृत नजर। भवानी मंडी में रेलवे स्टेशन पर मेहमान को छोड़ने आए एक व्यक्ति की बाइक रेलवे स्टेशन के बाहर से चोरी हो गई, चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसे RPF सहित MP व राजस्थान पुलिस के चक्कर काटने पड़े। मालीखेड़ा गांव निवासी दिलीप सैनी ने बताया कि शनिवार को उसका बेटा संदीप बाइक लेकर रेलवे स्टेशन पर मेहमानों को छोड़ने गया था, इस दौरान उसने बाइक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी। मेहमानों को ट्रेन में बिठा कर जब वह वापस बाहर आया तो उसकी बाइक वहां से गायब थी। उसने बाइक को सब जगह ढूंढा लेकिन बाइक कहीं नहीं मिली। फिर उसने RPF थाने पहुंचकर बाइक गायब होने की सूचना दी, लेकिन RPF ने चोरी की घटना रेलवे स्टेशन के बाहर होने के कारण भवानी मंडी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने की बात कही, जिस पर उसने भवानी मंडी पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन भवानी मंडी पुलिस ने थाने का दायरा न होने का हवाला देते हुए रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। RPF पुलिस दर्ज करेगी। बाद में उसने रेलवे स्टेशन पहुंचकर RPF को पूरा घटनाक्रम बताया, जिस पर RPF ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की बात कही और पल्ला छाड़ दिया। बाद में भवानी मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लेकर घटना स्थल मध्य प्रदेश क्षेत्र का बताते हुए मध्य प्रदेश की भेसोदा मंडी चौकी पुलिस को मौके पर बुला लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। बाद में रेलवे स्टेशन के बाहर हंगामा बढ़ने एवं मीडिया के पहुंचने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने सीमा ज्ञान किया। उसके बाद भवानी मंडी पुलिस ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज की, जिससे उसे बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इधर उधर 1 घंटे तक भटकना पड़ा। भवानी मंडी में स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार नगर निकायों में पैरवी की स्थायी व्यवस्था के लिए विधि सलाहकार की नियुक्ति की गई, जिसको लेकर भवानी मंडी नगर पालिका में एडवोकेट मुकेश प्रजापति की नियुक्ति की गई, मंत्री से मुलाकात कर बड़ी दमकल की मांग की। चौमेला में खनन विभाग की टीम ने गंगधार तहसील के मक्सी गांव के समीप छोटी कालीसिंध नदी में अवैध रूप से चल रहे बजनी खनन पर बड़ी कार्रवाई की। उनेल थाना इंचार्ज त्रिलोक चंद ने बताया कि शुक्रवार को खनन राजस्व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा
थाना क्षेत्र के मक्सी गांव में अवैध रूप से हो रहे रेत खनन पर कार्रवाई की, जहां से मक्सी निवासी महेंद्र सिंह के कब्जे से करीब 50 से भी ज्यादा डंप पर 300 टन बजरी जब्त की। कार्रवाई की सूचना मिलते ही खनन माफिया अपने जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उक्त कार्रवाई में खनन विभाग झालावाड़ के अधिकारी नरेंद्र जी खटिक ने कहा कि काफी दिनों से अवैध खनन की सूचना मिल रही थी। अकलेरा में शुक्रवार रात को खारपाड़ रोड की तरफ एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसकी रिपोर्ट अकलेरा थाने में की गई है। पुलिस के अनुसार मूलचंद पिता शोराम मीना का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसकी रिपोर्ट मृतक के परिजनों द्वारा नामजद कराई गई है। मुलजिम इंसाफ खान निवासी झालावाड़, लक्की निवासी अकलेरा, राजू उर्फ राजा पिता कल्लू कबाड़ी निवासी अकलेरा है। मृतक मूलचंद पिता शोराम मीणा किराए के मकान में रहता था। शुक्रवार करीब 4 बजे अभिषेक पेट्रोल पंप के सामने इन तीनों ने मृतक मूलचंद के साथ मारपीट की और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी जानकारी मूलचंद ने अपने भाई मोरपाल को दी थी। दिगोद गांव के रामराज ने मूलचंद को फोन करके बुलाया था। इन मुलजिम की गाड़ी चलाता है। इसके पहले भी ये तीनों मुलजिम मूलचंद को फोन कर कई बार जान से मारने की धमकियां दे चुके हैं। सबसे पहले मूलचंद के भाई की बारात 24 मई खोकेड़ा गांव गई थी। वहां पर किसी बात को लेकर शादी के मंच पर मृतक मूलचंद व मुलजिमों के बीच कहासुनी हो गई थी। उस दिन भी मुलजिमों ने देख लेने की धमकी दी थी। युवक की मौत को मीना समाज व हिंदू संगठनों ने गंभीरता से लेते हुए मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अकलेरा SDM सत्यप्रकाश कंसवा व उप पुलिस अधीक्षक जसवीर मीना को ज्ञापन दिया। मीना समाज व हिंदू संगठन के लोगों द्वारा हत्यारों को गिरफ्तार करो के नारे लगाए गए और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जहाँ भी मिलेंगे वो पकड़ में आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आपने कहाँ मिला? नहीं, पर ये 2-5 छोड़ रहे हैं साहब, ये जो रमजान पुरा गए इन्होंने अपराधी पड़ते गए बहुत, इन्होंने आतंकवाद मचा रखा माल और इनको अगर वास्तव में गिरफ्तार नहीं करेंगे ना तो बहुत ये बहुत बात आगे बढ़ेगी सर। ये मादा चौधरी ने एक बार अपने कोई मिलने वाला था वो मेयरों को मेम्बर साहब उनका बच्चों को ऐसा मारा इन्होंने रोड पे। रामगंज मंडी के सुकेत NH 52 पर आहू नदी के समीप स्थित सर की पुलिया पर 2 वाहनों की आमने सामने टकराने के बाद सड़क दोनों ओर वाहनों से लंबी कतार लग गई। एक ट्रक के ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, चालक को आई मामूली चोट। वाहनों की भिड़ंत इस तरह हुई कि मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। पैदल निकलने वाले लोगों को भी परेशानी से गुजरना पड़ा। वाहनों की कतार लगने से जाम में निजी और रोडवेज बसें भी फंसी रही। यात्रा कर रहे यात्रियों को जाम में फंसने से बुरा हाल रहा। सुकेत पुलिस ने क्रेन बुलवाकर जाम को खुलवाया। देहरादून के सेलाकुई में आज तपती गर्मी में हाईवे किनारे व्यापारियों ने छबील लगाकर लोगों को मीठा शरबत पिलाकर पुण्य का लाभ उठाया। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों में सफर कर रहे राहगीरों के लिए हर्बर्टपुर देहरादून हाईवे पर सेलाकुई में व्यापारियों ने छबील लगाकर राहगीरों को रोक रोक कर मीठा शरबत पिलाया, जिसे पीकर लोगों में उमस भरी गर्मी में राहत की सांस ली। इस मौके पर सज्जन प्रकाश चौधरी, दलपत कुमार, मुकेश कुमार, रमेश कुमार, दिनेश कुमार, रोहित कुमार आदि व्यापारीगण मौजूद रहे।
सिंगरौली में अभिवक्ता संघ शपथ ग्रहण समारोह में दूरदर्शन कलाकार अशोक पांडे की खास प्रस्तुति। यह कार्यक्रम सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश खनिज एवं प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल की गरिमामय उपस्थिति के साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल, भाजपा विधायक राम लल्लू वेश, देवसर विधायक सुभाष चंद्र वर्मा, महापौर प्रेमवर्ती खेरवार, मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एवं समस्त अधिवक्ता एवं कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जिले के सुप्रसिद्ध दूरदर्शन संगीत कलाकार अशोक पांडे ने खास संगीत प्रस्तुत कर सभी मंत्री नेताओं का दिल जीत लिया। अपने संगीत के माध्यम से स्वागत वंदन गीत प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित सभी ने अशोक पांडे की इस प्रस्तुति की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना कर ढेर सारी बधाइयां दी। नवागत पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर अवैध शराब गांजा के कारोबार में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जियावन थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के ढाबा एवं आसपास की दुकानों में छापामार कार्रवाई के दौरान चोरी छिपे शराब बेचने वाले किराना दुकान संचालन को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओम प्रकाश जायसवाल किराना दुकान की आड़ में करता था। अवैध शराब का धंधा वही कुंदवार चौकी अंतर्गत पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी यज्ञलाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, जिसे जब्त कर दोनों आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई में SI विश्वास, SI प्रजापति, आशीष हरभजन की भूमिका रही। सिंगरौली में महिला सुरक्षा पर जियावन पुलिस की अनोखी पहल। विशेष गांव-गांव में कार्यक्रम आयोजन कर महिलाओं एवं कम उम्र के बच्चों बच्चियों के खिलाफ बढ़ते यौन शोषण, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जियावन थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय व पुलिस टीम द्वारा महिलाओं के अस्तित्व के सम्मान को बचाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सहुआर, खोबा सहित अन्य गाँव में आयोजित कर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपने विचार रखने का अवसर दिया गया। TI श्री उपाध्याय ने महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा के लिए बने कानून की जानकारी भी दी। वही सभी बच्चे बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से बताया। नाबालिग बच्चों की सुरक्षा व अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया। हेल्पलाइन और थाना बीट प्रभारी के नंबर दिए। इस मौके पर SI रूपा अग्निहोत्रा, SI विश्वास आशीष संतोष उपस्थित रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस टीम द्वारा जन जागरण शिविर लगाया गया है। आज सरवार, खोबा और मजूना ग्राउंड में लोगों को एकत्र करके और अपनी छोटी बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए कैसे इंतजाम किए जाएंगे, गुड टच पर बैड टच क्या है, इसके बारे में डिटेल बताया गया, ताकि उनके साथ किसी तरीके का यौन उत्पीड़न न हो पाए और वो सुरक्षित। जालौन में टकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मारुति वैन से अपने पैतृक गाँव दूल्हा दुल्हन के साथ जा रहे परिवार के 8 लोगों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दूल्हा सहित 4 लोगों की गंभीर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने राट उरई मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। बताया गया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के लोग अपने पैतृक गांव डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम
बंधोली में देवी देवताओं का पूजन करने के लिए मारुति वैन से जा रहे थे। जब वह ग्राम मोहम्मदाबाद के पास पहुंचे तभी बालू से लदे ओवरलोड तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मारुति वैन के पर खच्चे उड़ गए और उसमें सवार दूल्हा सहित चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दुल्हन सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही उरई सीओ संतोष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा लिया और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अरे क्या मामला हुआ? मारुति जा रही थी बंधोली, ट्रक वाले ने वहां से मोहरम लेकर अहमदाबाद में एक्सीडेंट कर दिया। अभी ठेला वाले ने सामने। अच्छा, कितने लोग थे मारुति में? मारुति में कितने लोग थे? छह लोग। कहां जा रहे थे ये लोग? बंधोली जा रहे थे। नहीं, मारुति वाले। जालौन में पिछले दिनों बुंदेलखंड जिले के कुंठो थाना क्षेत्र में हुई 8 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया, जहां अभी तक जालौन पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक रेप के बाद हत्या दर्शाया जा रहा था। वहीं अब झांसी डीआईजी के मुताबिक बच्ची के साथ रेप की घटना स्पष्ट नहीं हो पा रही है, बल्कि बात न मानने पर बच्ची की उसके पिता ने ही हत्या की थी। इसके बाद रंजिशन दो लोगों पर बच्ची की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी जानकारी आज झांसी डीआईजी सुभाष सिंह बघेल ने पत्रकारों को दी है। बताते चलते हैं कि जनपद जालौन के कुंठो थाना अंतर्गत ग्राम विजवाह में झाड़ियों के बीच एक 8 वर्षीय बच्ची का अर्धनग्न हालत में लाश मिली, जिसकी शिनाख्त लाखन सिंह की बेटी के रूप में हुई थी। बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आशंका जताई गई थी कि बच्ची की हत्या रेप के बाद हुई थी। घटना को लेकर जालौन पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक जालौन स्वामी प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या हुई है, जिसके आधार पर धारा 376 34 पासकोएट की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आरोपी मोतीलाल और जहार सिंह को पकड़कर पूछताछ की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से पूरे प्रदेश में हलचल हो गई। डीआईजी ने कमान संभाली और छानबीन करते हुए जांच की। जालौन मामले में किस प्रकार का खुलासा हुआ, किस डेट की घटना है सर? देखिए, 9 जून को थाना कोठौर जनपद जालौन के बिजवाह गांव में एक 8 साल की बच्ची का शव वहां खेत में मिला था। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक जालौन के द्वारा और हमारी पूरी पुलिस टीम के द्वारा, फॉरेंसिक की टीम को भी हमने बुलाया था और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो भी वहाँ पर साक्ष्य थे उन सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। इस घटना में वादी लखन सिंह के द्वारा 302-201 का अभियोग दो अपने गांव के दो लोगों के विरुद्ध लिखवाया गया था, मोतीलाल और जहार सिंह के विरुद्ध। जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, हमारी 4 टीमों ने काम करना प्रारंभ किया, तो उसमें पूरी विवेचना से हम लोगों को जहार सिंह और मोतीलाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला। गाँव में बहुत ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट नगर में 6 नंबर पार्किंग में गत्ता फैक्ट्री में राजू गुप्ता के यहाँ पर लगी भीषण आग। इस आग का कारण बिजली में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के द्वारा सुबह 6 बजे से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें लगभग 17 से 18 गाड़ियां पानी के प्रयोग में की जा चुकी है, परंतु अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा चुका है। इस आग में राजू गुप्ता का लगभग 7 लाख का नुकसान हो चुका है। वही फायर ब्रिगेड अधिकारी ने हमसे बात करते हुए बताया कि पिछले वर्ष भी इसी फैक्ट्री में आग लगी थी। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पैकेजिंग का कार्य किया जाता है, जिस कारण से गर्मी की अधिकता एवं लापरवाही के कारण आग लग गई। सवेरे 5:45 बजे जैसे लड़के का फोन आया, लड़के बुझा रहे थे बोरिंग की अपनी, बोरिंग से उन्हें काबू नहीं पाता है, तो मैं मेरे को फोन लगाया, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, क्या लाग है, सब लोगों को बुलाया, सोच रहे हैं बच्चे। अभी तक कारण पता नहीं लगा है किसका? मैं कोमल सिंह बरेलिया, साइक फायर ऑफिसर।
से क्या कारण रहा है आपका? आग का कारण ये है कि अपन को तो सुबह 7 बजे करीब सूचना मिली है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 6 में गोदाम में आग लगी है। जो है तत्काल गाड़ी यहाँ से अपने पास में ही नज़दीक सब स्टेशन है और आनंद नगर में यहाँ से गाड़ी भेजी। मैं खुद घर से साथ में आया और आकर के मैंने भयंकर रूप देखा तो हेडक्वार्टर से 3 गाड़ी और बुलाई, मुरार की गाड़ी बुलाई, बाड़े की गाड़ी बुलाई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।